मंथन होता है, कामधेनु गाय निकलती है, उच्च श्रेवा घोड़ा निकलता है, अप्सराएं निकलती है, कल्पतरु वृक्ष निकलता है, सारी चीजें कोई ना कोई लेता जाता है। उसके बाद लक्ष्मी माता निकलती है हाथ में वरमाला लिए हुए। अब सब तैयार होकर खड़े हो गए कि किसके गले में वरमाला जाएगी। देवता खड़े हैं, दैत्य खड़े हैं, कई ऋषिगण भी खड़े हैं। अब सबसे पहले लक्ष्मी माता दैत्यों के पास से जाती है, ये तो मूर्ख है, चली जाती है। देवताओं के पास जाती है, ज्ञानी है पर बहुत अहंकार है, अहंकारी है, बहुत अभिमानी है, बहुत चली जाती है। ऋषिगणों के पास आती है, ज्ञानी भी है अहंकारी भी नहीं है पर बहुत क्रोधी है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, उनके सामने से भी चली जाती है। फिर आते हैं ठाकुर जी, ज्ञानी भी है अहंकारी भी नहीं है, क्रोध भी नहीं आता है, सारे गुण है इनमें। महाराज कहते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि विद्या बहुत जरूरी है। कोई बच्चा है स्कूल में टॉप कर रहा है, कॉलेज में टॉप कर रहा है, पर उसमें अपने उस ज्ञान का अहंकार है तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं। कोई कलाकार है, उसे अपनी कला का अगर अहंकार हो तो वो कला कोई काम की नहीं। कोई बहुत सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता का अहंकार हो तो वो सुंदरता कोई काम की नहीं। कोई गुणी हो तो उसे अपने गुणों का अहंकार हो तो वो गुण कोई काम के नहीं। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो विनय प्रदान करे। जो अहंकारी बना दे वो विद्या कोई काम की नहीं। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम। विनय होगा तो हम अच्छे पात्र बनेंगे, अच्छे मनुष्य बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम, पात्रादि धनम, अच्छे पात्र होंगे, हम में अहंकार नहीं होगा, अच्छी वाणी बोलेंगे, विवेक से काम करेंगे तो धन अपने आप आएगा। उसके लिए फिर आपको जबरदस्ती की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो पात्रादि धनम, धनादि धर्मम, जिसके पास धन होगा वो धर्म के कार्य करेंगे। अब धर्म के कार्य भी होते तो ऐसा थोड़ी इसमें खर्चा नहीं होता, खर्चा तो होता है, पैसे तो लगते हैं, पर ये पैसे अच्छे कार्यों में लग रहे हैं। तो धनादि धर्मम, धर्मादि जयम, और धर्म के कार्य करोगे और तुम्हारी जय जयकार ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो महाराज ये सारे गुण अगर किसी में थे तो वो विष्णु भगवान में। लक्ष्मी माता ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में पहना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।